सारा, क्या देख के इतना अपसेट हो रही हो? अगले हफ्ते अमेरिका से मेरे मंगेतर आ रहे हैं फैमिली के साथ, और मेरे चेहरे का हाल देखो। एक हफ्ता तो बहुत है। ये लो माया ग्लो ब्यूटी क्रीम। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम फ्रेंच बेस्ड फॉर्मुलेशन के साथ सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल से मिले बेमिसाल खूबसूरती। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम कील महा से दाग धब्बे दूर करे, रंगत निखारे, चेहरा बनाए हेल्दी, दिलकश और खूबसूरत। निखरी रंगत और पुरकशिश चेहरा माया ग्लो ब्यूटी क्रीम के साथ। जिंदगी में भरो खूबसूरती के रंग, माया ग्लो ब्यूटी क्रीम से ग्लो करो। सारा, क्या देख के इतना अपसेट हो रही हो? अगले हफ्ते अमेरिका से मेरे मंगेतर आ रहे हैं फैमिली के साथ, और मेरे चेहरे का हाल देखो। एक हफ्ता तो बहुत है। ये लो माया ग्लो ब्यूटी क्रीम। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम फ्रेंच बेस्ड फॉर्मुलेशन के साथ सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल से मिले बेमिसाल खूबसूरती। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम कील महा से दाग धब्बे दूर करे, रंगत निखारे, चेहरा बनाए हेल्दी, दिलकश और खूबसूरत। निखरी रंगत और पुरकशिश चेहरा माया ग्लो ब्यूटी क्रीम के साथ। जिंदगी में भरो खूबसूरती के रंग, माया ग्लो ब्यूटी क्रीम से ग्लो करो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ, और ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय माया कॉस्मेटिक्स। और माया कॉस्मेटिक्स का कहना है कि PSL सीज़न के लिए उन्होंने 20% ऑफ किया हुआ है, और आप जाकर इनकी किसी प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम माया कॉस्मेटिक्स जो है इनकी जानिब से पेश किया जा रहा है, और हमारी सीनियर कमेंटेटर हसन जल्ली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हसन भाई, आज दो मैच थे PSL के, एक था कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का, जो कि कराची किंग्स ने पहली कामयाबी हासिल की है, 67 रन से वो मैच जीत गए हैं। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सेकंड जो मैच था वो, और वो जो जीता है मुल्तान सुल्तान से काफ़ी बड़े मार्जिन से, यानी 52 रन से वो मैच जीता है। क्या कहेंगे आज के दोनों मैचेस के हवाले से आप? हाँ, आज दोनों मैचेस में मार्जिन बड़ा वाइड रहा, जो जीत का मार्जिन था। मुल्तान सुल्तान ने अपनी जो फॉर्म है, बेहतरीन फॉर्म, उसे जारी रखा, और एक मरतबा फिर उन्होंने बड़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। पहले उन्होंने बैटिंग करते हुए 190 का बड़ा स्कोर बनाया, सिर्फ 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, और अब वो T20 के न सिर्फ ये कि स्पेशलिस्ट खिलाड़ी समझे जाने लगे हैं, बल्कि वर्ल्ड क्लास जो है T20 प्लेयर उन्हें माना जाने लगा है। उनके अलावा जो है वो राइली रोसो जो बड़े जारहाना बैटिंग करते हैं, उन्होंने 36 रन बनाए। डेविड मिलर ने 52 रन बनाए, बहुत अच्छी उन्होंने भी बैटिंग की, और पोलार्ड ने 32 रन बनाए। बहुत बड़ा स्कोर था, और ख्याल ये था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप भी बड़ी मजबूत है और वो उसे चेस करने की कोशिश करेगी, लेकिन बहुत उम्दा बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान के तमाम ही बॉलर्स ने। मोहम्मद इलियास, जिन्हें हमजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया है, उन्होंने 12 रन दे, दो खिलाड़ी आउट किए, बड़ी टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, मीडियम फास्ट बॉलर हैं। एहसान उल्लाह ने अपनी उम्दा फॉर्म जारी रखी, उन्होंने एक मरतबा फिर बहुत तेज स्पेल किया और 19 रन देकर दो खिलाड़ी आउट किए। फिर अब्बास आफरीदी ने जो है वो 22 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किया। अब्बास आफरीदी भी मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और अल्टीमेटली उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। उसके अलावा उसामा मीर ने जो है उन्होंने भी 2 विकेट हासिल की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग है वो कतई नाकाम रही, और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो कुछ देर विकेट पर ठहरे और जिन्होंने स्कोर करने की कोशिश की। एक थे साउथ अफ्रीका के वैन डजन, जिन्होंने 49 रन बनाए, और कॉलिन मुनरो, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, उन्होंने 31 रन बनाए। तो बहुत बड़ा मार्जिन था, और 52 रन से शिकस्त देने के बाद अब मुल्तान सुल्तान की पोजीशन और मजबूत हो गई है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इस राउंड में अगर उन्होंने अपनी इसी तरह कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा, तो अगले राउंड में उनके लिए बड़ा खुला मैदान होगा, और 2 या 3 मैच जीतने के बाद ही वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा मैच जो था बड़ा इम्पोर्टेंट था, खासतौर से कराची किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है, हसन भाई, आप समझते हैं इतनी अच्छी है कि सिर्फ आज के दिन लकीली उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, या इतनी मजबूत बॉलिंग लाइनअप है उनके पास? असल में उनका एडवांटेज ये है कि तमाम ही जो उनके पास बॉलर्स हैं वो फॉर्म में हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि अगर उनकी आप बॉलिंग को देखें तो इतनी तजुर्बेकार बॉलिंग नहीं है। जी जी, मसलन उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं जैसे मोहम्मद इलियास, बिल्कुल ना तजुर्बेकार हैं।
एहसानुल्ला बिल्कुल नौ आमूज हैं, अब्बास आफरीदी भी नौजवान हैं, उसामा भी जो लेग ब्रेक गुगली बॉलर हैं वो भी बहुत यंग हैं, लेकिन इसके बाद उन सबसे अच्छी जो बात ये है कि इनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है जी। और जो रिजवान की फील्ड प्लेसिंग है वो काबिले दाद है, इसके अलावा वो जो बॉलिंग में तब्दीलियां करते हैं जी उसके बड़े असरात पड़ते हैं, तो ओवरऑल इट्स ए वेरी गुड पैकेज फॉर मुल्तान सुल्तान, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग, मतलब इट्स ए कंप्लीट पैकेज और उसी की वजह से उन्हें कामयाबियां हासिल हो रही हैं जी। तो मैं बात कर रहा था कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान मैच में, तो कराची किंग्स के लिए ये बड़ा मैच इम्पोर्टेंट था इसलिए कि अभी तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और उन्हें जरूरी था कि वो स्ट्राइक बैक करें और उन्होंने किया। पहले उन्होंने बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, जो बहुत बड़ा स्कोर था। जेम्स विंस उन्होंने 46 रन बनाए, उसके अलावा मैथ्यू वेड ने भी अच्छी बैटिंग की, इमाद वसीम और बेन कटिंग ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और हालांकि जो लाहौर कलंदर की बॉलिंग है वो बड़ी मजबूत है, आप देखिए सारे तजुर्बेकार और बेहतरीन बॉलर मौजूद हैं, शाहीन शाह आफरीदी जो टीम के कप्तान भी हैं, उसके अलावा हारिस रऊफ हैं, नौजवान जमान खान हैं जो बिल्कुल लसित मलिंगा के स्टाइल से बॉलिंग करते हैं, इसके अलावा डेविड वीजे हैं, फिर सिकंदर रजा हैं जिम्बाब्वे के और लियम डाउनसन। लेकिन इसके बावजूद कराची किंग्स ने आज बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ बैटिंग की और 185 रन बनाने में वो कामयाब हो गए। उसके जवाब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग आज बुरी तरह फ्लॉप हुई, फखर जमान जल्द आउट हो गए थे और गालिबन उसका असर पूरी टीम पर पड़ा, उसके बाद सिर्फ मिर्जा बेग ही एक ऐसे बैट्समैन थे जो कुछ देर विकेट पे ठहरे, उन्होंने 45 रन बनाए, कामरान गुलाम ने 23 रन बनाए, आतिफ जावेद जो एक और मीडियम फास्ट बॉलर हैं वो बहुत ही नौजवान हैं वो भी, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 28 रन देकर 4, और आमिर यामीन ने 2 खिलाड़ी आउट किए। तो लाहौर कलंदर की जो टीम थी वो सिर्फ 118 रन बनाकर आउट हो गई और बहुत बड़ा मार्जिन था 67 रन का जिससे कराची किंग्स ने उन्हें हराया। तो कराची किंग्स की इस फतह से अब फिर मैदान ओपन हो गया है बिल्कुल, और कराची किंग्स को बड़ी तकवीत हासिल हुई होगी और यकीन तौर पर आइंदा आने वाले मैचों में वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और अब ये टूर्नामेंट जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मुश्किल और दिलचस्प होता जा रहा है तमाम टीमों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जनाब, ये तबसरा था आज के दोनों मैचेस के वाले से। अच्छा समय, कल का एक जो मैच है उस पर हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं, क्वेटा और पिशावर जर्मी ये दो टीमें हैं कल मैच खेलेंगी, तो क्या समझते हैं कि पिशावर जर्मी जबकि PSL एक विन कर चुकी है, आई थिंक दो विन कर चुकी है, तो उसके बाद जी इस PSL में पिशावर जर्मी की पोजीशन कैसी है आपके ख्याल से? हाँ, अभी तक पिशावर जलमी मैं समझता हूँ उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाया जैसी उनसे उम्मीद थी जी। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है एवेंचुअली वो वापस आए हैं और उन्होंने दूसरे मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा इन दोनों टीमों के दरमियान। और मेरा ख्याल है बाबर आजम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो है अपनी सुपरमेसी उसे कन्फर्म करें और एक बड़े वाइड मार्जिन से वो जो है विक्ट्री हासिल करें, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन जलील साहब, सीनियर कमेंटेटर, और तबसरा कर रहे थे आज के दोनों मैचेस के हवाले से और कल के मैच के हवाले से भी उन्होंने बताया कि कल का जो मैच होगा वो किस तरह हो सकता है, कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है, उस हवाले से बात की। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। आप सुन रहे थे अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे थे अपना TV न्यूयॉर्क, स्पॉन्सर बाय माया कॉस्मेटिक्स, और इनकी जानिब से ये प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश किया गया है, और इनका कहना है कि आपके लिए PSL सीज़न में 20% ऑफ है, आप इनकी किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। सुनते रहिए अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देखते रहिए अपना TV न्यूयॉर्क। सारा, क्या देख के इतना अपसेट हो रही हो? अगले हफ्ते अमेरिका से मेरे मंगेतर आ रहे हैं फैमिली के साथ, और मेरे चेहरे का हाल देखो। एक हफ्ता तो बहुत है। ये लो माया ग्लो ब्यूटी क्रीम। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम फ्रेंच बेस्ड फॉर्मुलेशन के साथ सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल से मिले बेमिसाल खूबसूरती। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम कील मुहा से दाग धब्बे दूर करे, रंगत निखारे, चेहरा बनाए हेल्थी, दिलकश और खूबसूरत, निखरी रंगत और पुरकशिश चेहरा माया ग्लो ब्यूटी क्रीम के साथ। जिंदगी में भरो खूबसूरती के रंग, माया ग्लो ब्यूटी क्रीम से ग्लो करो।
सारा, क्या देख के इतना अपसेट हो रही हो? अगले हफ्ते अमेरिका से मेरे मंगेतर आ रहे हैं फैमिली के साथ, और मेरे चेहरे का हाल देखो। एक हफ्ता तो बहुत है। ये लो माया ग्लो ब्यूटी क्रीम। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम फ्रेंच बेस्ड फॉर्मुलेशन के साथ सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल से मिले बेमिसाल खूबसूरती। माया ग्लो ब्यूटी क्रीम कील मुहा से दाग धब्बे दूर करे, रंगत निखारे, चेहरा बनाए हेल्थी, दिलकश और खूबसूरत। निखरी रंगत और पुरकशिश चेहरा माया ग्लो ब्यूटी क्रीम के साथ। जिंदगी में भरो खूबसूरती के रंग, माया ग्लो ब्यूटी क्रीम से ग्लो करो।